बारिश स्टार्ट हो गई है, ये बेचारे बंदे कैसे पहुंचेंगे। Let's take it slow, where you go I go too, and if you hit the bottom I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be, you know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। अभी बज रहे सुबह के साथ और सब रेडी हो गए हैं। मैं नीचे जाने वाली थी पर ऊपर का थोड़ा काम निपटाया, फिर बाद में मैं नीचे गई काम करने के लिए, फिर वापस आई। अभी मैं जाने ही वाली थी पर सोचा आपको गुड मॉर्निंग कह दूँ, सुबह से बात नहीं हुई थी तो इसीलिए गुड मॉर्निंग कहने के लिए रुकी हूँ। सब काम मेरा ऊपर का हो गया है अभी सब, यानी थोड़ा बहुत, और अब नीचे जाके काम करेंगे। चलो, दिन की शुरुआत तो अच्छी हुई है आज, पर रात से बारिश है हमारे यहाँ। अभी भी सुबह में भी बारिश चल रही है, शायद सुबह 4 बजे तक वही बारिश वाला माहौल था। बारिश थी, वो बिजली थी, कड़क रही थी, वही सब बादल गरज रहे थे, बरस रहे थे और अभी भी सुबह से वापस स्टार्ट हो गई है। तो चलो नीचे जाते हैं, काम ख़त्म करते हैं। अभी बाहर बारिश तो नहीं है पर आसमान अभी इतना भी खुला नहीं है, कभी भी बारिश हो सकती है, ऐसा आसमान है अभी तो। कपड़े अभी तक नहीं सूखे हैं हमारे, बारिश का माहौल देखिए, बहुत ही ठंडा ठंडा और प्यारा सा मौसम है। सामने वो अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है सामने, शायद वहाँ से बारिश होगी, शायद पूरा देखो। सर्दियों में बारिश हो रही है, हो जाएगी रोटी इतनी, वो हो जाएगी। आज तो भैया दो भैया बाहर जाने वाले हैं खाने के लिए शादी में, और हम गर्ल्स लोग हैं तो हमें तो हो जाएगी बढ़िया। हाँ। और कुछ बारिश का मौसम है, कुछ बनाएंगे चटपटा ऐसे खा लेंगे सही बात है, बारिश में भी चल बारिश चालू हो गई। दीदी कपड़ा कपड़ा कर रहे हैं, बारिश स्टार्ट हो गई है, ये बेचारे बंदे कैसे पहुंचेंगे, गीले हो जाएंगे तीनों। बाहर सुहाना मौसम है एकदम, अभी बारिश बंद हो गई है और मैंने अभी चाय चढ़ाई है, चाय पीने का मन कर रहा है। जब भी जितनी बार चाय मिले तो उसको मना नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए सच्ची में, पाप लगता है। चाय लवर है, चाय लवर मौसम में बारिश होती है तो पीनी ही चाहिए चाय, अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। मैं तो नहीं मानती कि चाय किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, चाय तो प्यारी चीज है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। देखो बारिश स्टार्ट फिर से हो गई है, सबका यही हाल है, कपड़े कहाँ सुखाएंगे, हमारा भी यही हाल है। फिर से बारिश आ गई, बारिश मानसी क्या ख्याल है तुम्हारा बारिश को लेके? बारिश ना आ जाती है, नहीं आनी चाहिए थी दोपहर तक, नहीं मैंने सोचा था दोपहर के बाद आए तो अच्छा होगा, कल पूरा धूप था, अब देखो धूप हो रहा है, मुझे तो वही लग रहा है, नहीं दिख रही धूप कहीं से, शाम तक धूप था और
चलो हम जाते हैं खाना बनाते। यहाँ पर समोसा बन रहे हैं, समोसे बन रहे हैं, समोसे की तैयारी हो रही है। समोसे खाएंगे आज हम। आज बारिश का मौसम है तो कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। जब भी बारिश होती तो हम कुछ ना कुछ ऐसा बनाते हैं चटपटा सा। तो अभी दीदी रोटी बेल रही है और मैं आलू फील करूंगी। एक्चुअली ये आलू के नहीं और क्या है, मूंग के। हाँ, मूंग के, मूंग के। मंचूरियन बन रहे मंचूरियन। हाँ आज फिर दूसरी आइटम बन रही है मंचूरियन। एक साथ दो दो चीज़ बन रही है क्योंकि ये हमने यूट्यूब पर देखा था तो अच्छा लगा। बिना मैदे का है तो ट्राई कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा होता है बिना मैदा। हाँ, हेल्दी होता है बहुत। बस चने की दाल से बनते हैं तो वैसे भी हमारे पास चने भिगोए हुए। मैदे की जगह चने का लोट ना, चने का दाल वो भिगो कर रख दी थी। हाँ तो वो पड़ी थी तो हाँ। सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं। बढ़िया सारी चीजें घर पर थी तो मुझे बहुत खाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। ये कुछ ज्यादा ही बन गया मुझे ना इसका टेंशन नहीं, हमारे घर पे चल जाता है ज्यादा होता है तो भी। भाई मेरी चाय बन रही है, 5 बजने वाले हैं और पूरे किचन में सिर्फ मंचूरियन की स्मेल आ रही है। फाइनली चाय बन गई है, अब फटाफट से चाय ख़त्म करती हूँ वरना दवाई का टाइम चला जाएगा। आवाज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। फैक्ट्री में धुआं निकल रहा है ना, वो देखो वो भी दिख रहा है फैक्ट्री में धुआं। और जिंकल भाभी वो मेरी बहना देखो छत पर है ना, हर रोज आना चाहिए, बात कर रही है इस तरह से, न्यूज कर ले वो भी एक बात बताऊं, आप जो घर में बोर होते हैं ना तब छत पे आ जाना चाहिए। सही बात है, खुला आसमान, खुला आसमान दिखता है। देखो हमारा सामने देखो खेत है। हाँ वो हम ग्रीन ग्रीन सब देख सकते। देखो ट्रेन भी जा रही है हमारे खेत में। कितने दिन हो गए, क्या हो पोटैटो को क्या बोलते हैं, आलू, आलू उगाए कितने दिन हो गए अभी तक वो है नहीं, मशीन नहीं आ रहा है खोलने। मशीन आ जाएगा। ये तू पतली क्यों हो गई बेटा 2 दिन में, दाद नहीं दे रही है भाभी हमारी। भाभी को फोन नंबर मिला है ना उसके साथ। वो मेरी माताश्री है 2 दिन से परेशान कर रहे थे मम्मी 2 दिन से मेरी मम्मी परेशान कर रही थी हमें। के पास नया नंबर आया था तो 2 दिन से परेशान कर रही थी हम दोनों बहनों को। वो फोन करेंगे बातें नहीं करेंगे, कुछ सामने बोलेंगे नहीं, फिर हमारी गालियां खा के सुन के फोन रख देंगे। 2 दिन से वही कर रही है मम्मी। तो आज सामने से बोले कि जय स्वामीनारायण, तब पता चला ये तो हमारी माताश्री है और माताश्री नॉट गुड बिहेवियर। ऐसा क्यों करते हो आप? वो सारा आइडिया मेरे भैया का था, वो भैया कर रहा था ऐसा। आज सुबह सुबह जो कॉल आया था ना वही था, भैया ने चेक किया था फोन पे पर लेकिन नाम तो नाम कोई अलग आया। अजीब अजीब था नाम, उसने भी चेक तो किया था पर कोई अलग नाम है। वो भी तरेश भैया भी फोन नंबर लेके गए हैं और बोला देख लूंगा इसे तो मैं भी गालियां दूंगा। पता नहीं क्या बोलेगा वो फोन करके। तो फ्रेंड्स अभी 10:30 बज रहे हैं, ये लोग आए दुकान से तो फिर हमने काम वगैरह किया, फटाफट खाना ख़त्म किया और अभी हम लोग वॉक के लिए निकले हैं। हम लोग यानी मैं, रिंकल दीदी, तरेश भैया और झिंकल 4 जन ही है वॉक के लिए आए हैं। अब जा रहे हैं घर की तरफ। मैं पहले दिखा देती हूँ कि हमारे साथ कौन कौन है। झिंकल सबसे आगे है, झिंकल का फर्स्ट नंबर आएगा।
तू अभी ये कोई नहीं, अब हम ही आए वॉक करने के लिए। तो रात के 10:30 बज रहे हैं, तो कौन होगा? हमारे वैसे लेट ही होता है ना, वॉकिंग भी लेट होती। चलो तो हम वॉकिंग कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी ठंड बढ़ती जा रही है, अगर रुकेंगे तो बहुत ही ठंड बढ़ेगी। हम लोग वॉक के लिए जा रहे थे, तो हमारे साथ में ये भी चल रहा है, पता नहीं कितनी देर से हमारे पीछे पीछे चल रहा है। तरेश परेशान मत कर बेचारे को, ऐसे लाड़ करते है, बहुत देर से हमारे पीछे पीछे चल रहा है। काट ना ले भैया, वो गली गली का कुत्ता है, तो इसलिए नहीं करता, और जगह जाते ये यहीं का है। वाह, जिंगल का अनुमान सही निकला, ऐसे ही वॉक करते करते हम लोग घर पर पहुंच गए हैं। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं खत्म करती हूँ, मिलेंगे हम वापस कल आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज, बाय।